हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूँ आपका सिविल हाउस डिज़ाइन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टीशन वॉल के लिए किस तरह से आरसीसी का बेड तैयार किया जाता है। देखिए, टॉयलेट और बाथरूम के लिए पार्टीशन वॉल दिया जाता है, इसके नीचे प्लिंथ बीम हम दे सकते हैं, लेकिन इस पार्टीशन वॉल का ज़्यादा लोड नहीं होता, जिसके लिए प्लिंथ बीम की जगह हम आरसीसी बेड तैयार करके काम चला सकते हैं। इससे क्या है कि कॉस्ट भी बच जाता है हमारा। तो इसके लिए हम आरसीसी बेड किस तरह तैयार करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 2 से 3 इंच की गहराई का खुदाई करते हैं। इसकी चौड़ाई 4 से 6 इंच रखा जाता है, क्योंकि पार्टीशन वॉल का जो चौड़ाई होती है वो 4 इंच होती है, इसलिए इसकी चौड़ाई 4 से 6 इंच तक रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रेनफोर्समेंट के लिए 2 स्टील बार यूज़ कर सकते हैं। इस सरिया का डाया 10 mm दिया जा सकता है, और इस सरिया को वॉल के अंदर 3 से 4 इंच तक अंदर भी किया जाता है। तो इस तरह से इस स्टील बार को बिछा देते हैं। इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि इस स्टील बार के नीचे भी कंक्रीट डालना है। इस स्टील बार को बिछाने के बाद इसके ऊपर हम कंक्रीट डालते हैं। इस कंक्रीट की बात करें तो इसका जो ग्रेड होता है वो M15 या M20 यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली M15 यूज़ किया जाता है इस काम के लिए कंक्रीट का ग्रेड। इस कंक्रीट को स्टील बार के ऊपर डालने के बाद इसको प्लेन किया जाता है। इसके लिए करनी का यूज़ करते हैं। इस करनी से ही कॉम्पैक्ट करते हुए इसे प्लेन करते हैं और इसको पूरी लंबाई में प्लेन कर देते हैं। इसे प्लेन करते समय हमें ध्यान देना होता है कि इसकी लेवलिंग हर जगह बराबर रहे। इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान दिया जाता है कि इसका जो सरफेस है वो थोड़ा रफ रहे, ताकि पार्टीशन वॉल की पकड़ इससे बने रहे। तो इस तरह से इसको लेयर बाय लेयर करनी से कॉम्पैक्ट करते हुए प्लेन कर देते हैं, और ये फाइनली आरसीसी बेड तैयार हो जाता है पार्टीशन वॉल के लिए। इस आरसीसी बेड को तैयार करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद पार्टीशन वॉल का काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि इसकी गहराई हम 2 से 3 इंच रखते हैं और इसकी चौड़ाई 4 से 6 इंच रखते हैं। इसमें 2 स्टील बार यूज़ किया जाता है, जिसका डायर 10 mm का दिया जाता है, और इसको अच्छी तरह से करनी से कॉम्पैक्ट करते हुए प्लेन करते हैं, और इसको थोड़ा ऊपर का सरफेस को रफ रखा जाता है ताकि पार्टीशन वॉल के साथ पकड़ बनाए रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।